हेलो एवरीवन, तो देख सकते हैं ये है प्रीति ब्रांड का प्रीति लक्स प्रो गैस टॉप, यानी कि कुक टॉप है। ये है ग्लास टॉप एंड इसमें जो है थ्री बर्नर का ये कुक टॉप है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे जो फीचर्स दिए हुए हैं फास्टर कुकिंग के लिए, रैपिड बर्नर है जो कि जुम्बो बर्नर है एक्सेल साइज का, एंड इन्फिनिटी ग्लास डिजाइन किया हुआ है, वेडेड ग्लास सरफेस है इसका जो कि आप बड़ा बर्तन यूज़ कर सकते हैं, एंड एल शेप का पान सपोर्टर है जो कि मिनिमम जो है स्पेलाइज करता है ट्रे के ऊपर नहीं गिरता है, आप आसानी से जो है इसको जो है क्लीन कर सकते हैं, ग्लास के ऊपर गिरेगा। एंड वारंटी की बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर्स वारंटी ऑन ग्लास एंड बर्नर, 2 ईयर्स वारंटी आपको प्रोडक्ट की मिल जाएगी, लाइफ लॉन्ग इसमें जो है फ्री सर्विस देखने को मिल जाती है। एंड ये एक ऐसा डिजाइन क्या एकदम स्लिमेस्ट कुकटॉप है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है टेस्ट कुछ दिए हैं कंपनी की ओर से, यहाँ पे देख सकते हैं आप वीडियो को पूछ करके देख सकते हैं, ग्लास का टेस्ट हुआ है, ड्रॉप टेस्ट हुआ है इसका यहाँ पे, एंड एक साइड में आपको इसकी प्राइस रेंज देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं MRP प्राइस 9950 है, एंड आपको इसकी प्राइस होने वाले अप्रॉक्स 6000 के आसपास मिल जाएगा, इसका बाइलिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बाटी स्टैंड आपको अवेलेबल इनसाइड, इसके साथ आपको बाटी स्टैंड भी मिल जाएगा जो कि आप तंदूर कुकर अगर आप यूज़ कर सकते हैं, जो हम रोटा कुकर भी बोल सकते हैं या फिर बाटी तंदूर भी बोल सकते हैं, वो अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके साथ स्टैंड सभी के साथ मिल जाता है। इसमें 2 बर्नर और 3 बर्नर एंड 4 बर्नर तीनों मॉडल मिलते हैं। तो चलिए अब गैस स्टोव को बताते हैं। देख सकते हैं ये है 3 बर्नर का कुकटॉप, काफ़ी स्लिमेस्ट, काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी लेटेस्ट मॉडल ये कंपनी ने बनाया है। आप देख सकते हैं स्लिमेस्ट एंड ये इसकी हाइट की बात करूँ तो इसकी जो ग्लास से प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो 3 इंच है इसकी हाइट, एंड देख सकते हैं 3 इंच इसकी हाइट है। एंड इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो इसकी ग्लास की जो चौड़ाई है 30 इंच यानी कि 77 जो है सेंटीमीटर की जो है चौड़ाई आपको जो है देखने को मिल जाती है। एंड इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात करूँ तो ये 16 इंच आपको जो है देखने को मिल जाती है, तो ये काफ़ी बढ़िया है, इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, एंड आप इसमें बड़े बड़े बर्तन रख के कुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके ग्लास की, तो देख सकते हैं ये जो प्यूरी थर्मली टफन ग्लास इसमें जो यूज़ किया हुआ है, यानी कि एकदम हाई डिग्री में हीट एंड कोल्ड करके बनाया हुआ ग्लास जो कि 600-700 डिग्री में हीट एंड कोल्ड करके बनाता है इसका। एंड इस ग्लास के ऊपर आप देख सकते हैं ऐसी मार्किंग भी देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर्स वारंटी ऑन ग्लास एंड बर्नर इसमें मिल जाती है, लाइफ लॉन्ग फ्री सर्विस जो कि बेहतरीन ऑप्शन है जो कि किसी भी ब्रांड में अभी तक नए के बराबर है, जो कि ये आपको सर्विस चार्ज नहीं लेता है लाइफ टाइम तक, जितना भी आप साल यूज़ कर सकते हैं 5 साल के बाद भी। एंड आप देख सकते हैं 3 बर्नर मिलेंगे डिफरेंट साइज बर्नर के, एक मिलेगा आपको छोटा बर्नर जो कि रेगुलर कुकिंग के लिए यूज होता है जैसे कि चाय बनाने के लिए वगैरह, एंड और एक होता है आपको मीडियम बर्नर जो कि देख सकते हैं इसको बिग बर्नर भी बोला जाता है, जो कि 2 बर्नर में मिलता है, एक छोटा और एक बड़ा। इसमें आप रेगुलर प्रेशर कुकर का काम कर सकते हैं, रोटी चपाती डोसा जो भी आप बनाते हैं वो इसके ऊपर रेगुलर। अगर आपको फास्टर कुकिंग चाहिए, बड़ा बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं, एंड उसके लिए आपको दिया हुआ है सबसे बड़ा बर्नर जुम्बो बर्नर जिसमें आपकी एक्सेल साइज़ का ये बर्नर है, एंड इसमें रैपिड कुकिंग होती है जो कि फास्ट कुकिंग होता है, तो ये तीनों बर्नर है। एंड उसके बाद में पान सपोर्टर की बात करूँ तो देख सकते हैं एल शेप का पान सपोर्टर दिया हुआ है ताकि आपका स्पीड कंट्रोल रहेगा, एंड देख सकते हैं काफ़ी यूनिक एंड न्यू डिज़ाइन में दिया हुआ है। एंड ये जो सरफेस दिया है काफ़ी छोटा दिया है ताकि कुछ भी गिरेगा तो इसके अंदर नहीं गिरेगा, साइड में गिरेगा ताकि क्लीनिंग आपकी जो है काफ़ी आसानी से हो जाएगी, ग्लास के ऊपर क्लीन करना काफ़ी इजी हो जाता है। उसके बाद में नॉब की बात करूँ तो नॉब देख सकते हैं इजी टू पुश नॉब है, इसमें तीनों सेपरेट लाइनिंग के हिसाब से नॉब दिया है ताकि आपको इजीली से पता चले कि ये इसका ही नॉब है, पास में रहता है, कंफ्यूजन होता है चाहे 4 बर्नर में हो एंड 3 बर्नर में, तो हालांकि ईजी होता है इसमें 4 बर्नर भी मिल जाता है, तो देख सकते हैं ये यूनिक डिज़ाइन का नॉब है। एंड नीचे लेग की बात करूँ तो काफ़ी एकदम राउंड लेग है, हैवी क्वालिटी का लेग आपको देखने को मिल जाएगा, एंड नीचे पूरा प्लेन सरफेस है, आप देख सकते हैं क्लीनिंग भी काफ़ी जो है इजी होने वाली है। उसके बाद में हम गैस कनेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड में आपको जो है गैस कनेक्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप पाइप कनेक्ट करके सिलेंडर में कनेक्ट करते हैं ताकि आपका गैस और यूज़ हो सके, तो आप इसमें साइड में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीछे की तरफ चाहिए तो यही मॉडल में आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको जो है कनेक्ट कर सकते हैं काफ़ी इजी से, जो कि हम टेक्नीशियन की मदद से करवाना पड़ता है जब आप नया परचेज करते हैं तब। तो ये था कुछ इस तरह का गैस स्टोव, आपके मन में कुछ डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।